किए जा रहे हैं। नासिर में इस वक्त CTO साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि उनकी जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है, वो इस मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपकी जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है बहैसियत ऑफिसर, CTO होने की हैसियत से आपने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम, और हमने देखा भी है कि मार रोड पर तकरीबन 96% इस मुहिम की वजह से हादसात में कमी आई है, और अभी मज़ीद कौन सी ऐसी मेन चौराहें हैं जहाँ पर आप ये मुहिम अभी कंटिन्यू रखेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट हमने क्यों किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डायरेक्शन पे CM साहब की और IE साहब की हादसात में कमी के लिए, क्योंकि पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 लोग जो है 484 लोग अपनी जान से गए ट्रैफिक हादसात में, जिसमें 74% मोटरसाइकिल राइडर्स थे और उसमें मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से अपनी जान से गए। अब हमारी कोशिश तो ये है कि इस साल कोई एक भी ऐसा हादसा ना होने पाए जिसकी वजह से लोग बिलावजह अपनी जान जो है अपनी कोताही या गफलत की वजह से खो बैठें। इसके लिए हमने ये हेलमेट इन्फोर्समेंट कैंपेन स्टार्ट की, इसमें हमें CM साहब की और IE साहब की डायरेक्शन शामिल थी, और इसमें हमने तीन तरीकों से काम स्टार्ट किया। नंबर एक, हमने सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, हमारे एजुकेशन टीम्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस हमने स्टार्ट की। दूसरा, ऑन फील्ड हमने पहले वार्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया लोगों को, और आखिरी स्टेज पर जाके जो चालान थे वो एनफोर्स करना स्टार्ट किए। इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से, जैसे हमने DC साहब को रिक्वेस्ट की कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, पेट्रोलियम एसोसिएशन को कहा जाए कि उनको पेट्रोल ना दिया जाए ताकि वो लोग उसकी पाबंदी करें। इसके अलावा हमने लाहौर पार्किंग कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को पार्किंग डिनाई की जाए। हमने अपनी मिलिट्री अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि कंटोनमेंट की हदूद में इनका दाखिला बंद किया जाए बगैर हेलमेट के, और इस सारी का मकसद जो है, एक्सरसाइज का मकसद ये था कि लोगों को हेलमेट इन्फोर्समेंट पर पाबंद किया जाए। हमारा बिल्कुल मकसद को नंबर गेम अचीव करना नहीं है। जब से हमने कंपेन स्टार्ट की 4 जुलाई से, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों के चालान इसमें हो चुके हैं, लेकिन मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है। ये बेसिकली 2 लाख लोग वो हैं जिन्होंने तमाम वार्निंग के बावजूद भी जो है वो हेलमेट पहना गवारा नहीं किया। मेन माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड और मेन बुलेवार्ड को हमने प्रिंसिपल फोकस में रखा, क्योंकि हमारी मेन आर्टरीज़ हैं और मोस्टली एक्सीडेंट्स जो है वो इन शराहों पर हुआ।